बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले सेशन में हम मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे और मॉडल्स की हमने ऑडिटिंग कंप्लीट का टॉपिक कंप्लीट किया था कि आप एक मॉडल को डेटाबेस मॉडल को ऑडिटेबल किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस देखे थे, माइग्रेट किया और रिफ्लेक्शन देखा हमने डेटाबेस पे, किस तरह हम एक रो को एडिट करते हैं यूजिंग जंगो शेल। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो फील्ड्स हम चाह रहे हैं सेट हो रही हैं यूजिंग डिलीट, और उसके बाद हमने सॉरी अपडेट। फिर हमने ये भी देखा एक रो हम डिलीट करते हैं और अनडिलीट करते हैं तो किस तरह से हम सॉफ्ट डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटा मॉडल एक सेफ स्टेट में, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक ये कैसा डेटा मॉडल है जो हम एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की बात करें। तो अब हम चलते हैं अपने बल्कि रिज्यूम करते हैं जो फॉर्म्स वाला पार्ट था हमारा। देखिए, लास्ट हमने व्हीकल क्रिएट करने का जो है वो टेम्पलेट डिजाइन किया था और होम तो हमारे पास पहले ही था। मैं इसको रन लॉन्च करता हूँ रन सर्वर। और दोबारा हम व्हीकल्स पे आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मेन पेज था और बहुत सारी व्हीकल्स की एंट्रीज हो चुकी हैं। वह व्हीकल एक्चुअली व्हीकल नहीं है, ये व्हीकल मॉडल्स हैं। इस वक्त जो हम बात करें व्हीकल मॉडल्स की हैं, इसको मैं थ्रू आउट आप समझे कि रीफैक्टर करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा जहाँ भी अप्लाई होता है। व्हीकल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही होंगी तो एनीवे दीज आर मॉडल्स। अच्छा, अब हमें इसको एक्टिवेट करना है, जो डिलीट का ऑपरेशन था, जो एडिट का ऑपरेशन है, अभी हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यह है इस वक्त के ये जो डिलीट का फंक्शन है, इस पे हम कुछ बिजनेस रूल्स अप्लाई करेंगे। बिजनेस रूल्स क्या है कि पहली बात तो अगर हम कह रहे हैं किसी रो को डिलीट करना है तो डिलीट से मुराद क्या, सॉफ्ट डिलीशन या कंप्लीट पर्ज करना है उसको डेटाबेस से। हम एक रूल फिक्स कर लेते हैं, रूल ये बनाते हैं कि अगर कोई भी व्हीकल ऐसी है जिसके अगेंस्ट कोई रजिस्ट्रेशन है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या कोई रिक्वेस्ट रखी हुई है, वो डिलीट नहीं होगी, वो डेटाबेस से हम डिलीट नहीं करेंगे या डिलीट से हमारा पर्ज नहीं करेंगे, परमानेंट डिलीशन नहीं करेंगे, उसको हम सिर्फ सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं भी है तब भी ये जो डिलीट का ऑपरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म कर सके एडमिन, जो सुपर यूजर है। आम कोई यूजर लॉग इन कर रहा है उसके पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए डिलीट करने का। ठीक है, तो ये दो दो रूल्स हैं, हम इनको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। मैं वापस आता हूँ, मैंने खोल लिया होम डॉट एच टी एम एल अपना टेम्पलेट जहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं। अब ठीक है, अब चेंजेस क्या करने, सॉरी ये नहीं, हमारे पास व्हीकल्स है, व्हीकल्स का टेम्पलेट है ना, फॉर्म तो ये हमारे हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है। व्हीकल्स के टेम्पलेट की बात करें हम, व्हीकल्स में हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी यहाँ पे हमारे पास एक बटन है। दो तरीके हैं, हम चाहें तो एक बटन इम्प्लीमेंट करें, यानी जैसे हमने ये इटसेल्फ एक फॉर्म दिया हुआ है ना व्हीकल्स में, जब हम क्रिएट में हमने फॉर्म बनाया है, तो जैसे फॉर्म है, फॉर्म एक्शन है, हम सीआरएफ टोकन देते हैं, उसमें सबमिट का बटन है, तो यहाँ हम एक बटन ऐड कर सकते हैं डिलीट का, वही एडिट का। लेकिन हम थोड़ा सा एक सामान्य शॉर्टकट लेंगे और स्टाइल हम बटन ही रखेंगे, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एंकर टैग में। ठीक है, एंकर
टैंक अटैक में, और फिलहाल मैं देता हूँ एच प्लस इक्वल्स टू डैश दोनों में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो वही स्टाइल। लेकिन एंकर टैग का फायदा ये है कि हम सिर्फ ऑन प्रेस पे जंप कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड नेविगेट कर सकते हैं डिजायर्ड यूआरएल पे। तो हम इस पे अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं डिलीट का, या हम यूआरएल क्या देंगे, यू नो द ड्रिल, हम कहेंगे यूआरएल और यहाँ पे जो भी यूआरएल कॉल करनी है मैं कहूंगा डिलीट व्हीकल, ठीक है, डिलीट व्हीकल। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ यूआरएल्स में, और यहाँ जैसे क्रिएट है सेव है वैसे ही मुझे एक डिलीट व्हीकल, राइट, डिलीट, सही है। अभी ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे एक चीज रह गई है, पॉइंट इस कि यहाँ मैंने कहा डिलीट व्हीकल, लेकिन पता कैसे चलेगा भाई कौन सी व्हीकल डिलीट करनी है। मैंने यूआरएल रजिस्टर करवा दिया, व्यूज पे मैं लिखूंगा एक मेथड लिखूंगा जिसके अंदर व्हीकल डिलीट हो रही होगी, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कौन सी व्हीकल है, व्हीकल की आईडी क्या है, मुझे एक पैरामीटर देना पड़ेगा, यानी ये जो मेरा यूआरएल है ये पैरामीटराइज्ड होना चाहिए, ठीक। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड है, इसी यूआरएल में मैं पैरामीटर पास कर दूंगा, और पैरामीटर में क्या कहूंगा, व्हीकल डॉट रिमेम्बर हमारे पास अब यूयूआईडीज हैं, पहले मैं एक बार फिर शो कर दूं ओपन डेटाबेस, व्हीकल मॉडल, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास यूयूआईडीज मौजूद हैं इनकी, ठीक। तो यहाँ मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ कि ये जो व्हीकल ऑब्जेक्ट है इसकी जो यूयूआईडी है वो पास कर दो एज इन यूआरएल डिलीट व्हीकल में, और यहाँ पे भी मैं एक चीज करूंगा यूआरएल डॉट पाई में। मैं कैच कहाँ कर रहा हूँ, मैं यहाँ एंगल ब्रैकेट्स में बताऊंगा यूयूआईडी, दैट्स इट। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ उसकी टाइप भी बताएं, यानी इंटीजर या एसटीआर में क्या देता है स्ट्रिंग यूयूआईडी, ताकि आपको ये आसानी रहे। फॉर एग्जांपल इसकी जगह अगर प्राइमरी की होती आईडी होती तो या तो हम आईडी लिखते पीके भी लिख सकते थे उसकी जगह, तो वो आपकी इंटीजर में होती, ठीक है। तो बहरहाल मैं कहता हूँ डिलीट अंडरस्कोर व्हीकल व्यूज के अंदर, और यहाँ मुझे क्रिएट करना है ना व्यूज के अंदर डिलीट व्हीकल, वो मैं कैसे करूँगा, मैं आ जाता हूँ डेफ डिलीट व्हीकल रिक्वेस्ट, और साथ में यू यू आई डी का एक पैरामीटर दे दूंगा, रिक्वेस्ट तो है अपनी जगह पे, पैरामीटर भी होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे यू यू आई डी से सर्च करना ऑब्जेक्ट और उसको डिलीट करवाना है, डिलीट के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, तो देख लेते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि कमेंट्स करता हूँ, कमेंट्स देता हूँ, इफ दिस द यूजर इज एडमिन और स्टाफ staff member then this allow, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई ये अलाउ नहीं करना हमें, अगर जो यूजर है जो लॉग्ड इन यूजर है वो स्टाफ मेंबर नहीं है, एडमिन नहीं है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सॉफ्ट डिलीट इफ there are already vehicles in contract, ठीक है।
हार्ट डिपर्च अदरवाइज, ये हमारे पास लॉजिक है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है ना। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं इस यूयूआईडी के ऊपर। यहाँ तो हम करेंगे यूयूआईडी मेन जो करने वाला काम है वो क्या है, मैं कह रहा हूँ व्हीकल मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट यूआईडी इक्वल्स टू यूआईडी। सही है, इफ नॉट व्हीकल देन हम एरर करेंगे, बैड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि व्हीकल मॉडल गिवन यूआईडी नॉट फाउंड, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए बट फॉर प्रिकॉशन आप ये मेजर्स लेते हैं। अब ये मैं किस तरह से सर्च करूंगा कि भाई ये व्हीकल मॉडल इसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट तो नहीं करते, तो मैं जाके सर्च कर सकता हूँ, एक और सर्च क्वेरी लगा दूं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पर जाओ और कॉन्ट्रैक्ट में जो व्हीकल है ना, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर व्हीकल ये जिसकी डिलीट की रिक्वेस्ट आई अगर मौजूद हो तो फिर उसको हार्ड डिलीट नहीं करना, ठीक है। तो यहां मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे मुझे इस कोड को मुझे ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ मैं क्या पास करूंगा, व्हीकल टू ओके, नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होगा ये, एक्चुअली व्हीकल में होगा ना, व्हीकल के अंदर जो मॉडल है ये सर्च करना है हमने, और अच्छी सर्च कर रहे हैं व्हीकल, और इसको भी मैं इंपोर्ट कर ही लूँ, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू व्हीकल मॉडल, अब अगर इस मॉडल की कोई व्हीकल एग्जिस्ट करती है तो फिर जो सॉफ्ट डिलीशन होगी अदरवाइज पर जो होगा, इफ व्हीकल डॉट एक्चुअली ना तो इनल आएगा, फिर क्या करें व्हीकल मॉडल डॉट डिलीट राइट एज डॉट पर्ज, ये करना है हमें, ठीक है। सही व्हेन डिस्पर्स, तो फिर हम दोबारा इसको रिवर्स सेम पेज पर डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जरा टेस्ट करते हैं कि ये हमारे पास चल रहा है या नहीं, लेकिन टेस्ट करने से पहले हम इसको पहले डिसेबल्ड को हैंडल करें, डिसेबल्ड हमने हटा दिया ऑपरेशन, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट आवर डिलीट ऑपरेशन। दोबारा लॉन्च कर दूं व्हीकल्स और बटन उन्हें इनेबल कर दिया। अगर आप यहाँ देखिए गौर से, जैसे मैं हवर करता हूँ
डिलीट के ऊपर, तो इस पोर्शन पे आप देखेंगे यूआरएल जो ये हिट कर रहा है वो क्या है, 127.0.0.1.8.8000 ये पोर्ट है, स्लैश बाहम स्लैश व्हीकल्स डिलीट और डिलीट के साथ यूयूआईडी, ठीक है। और यही डिजायर्ड है कि हम ये यूयूआईडी सेंड करें डिलीट। तो चलें देखते हैं कि डिलीट किस तरह से हो रहा है। हमारे पास उसका केस क्या है, अगर हम अच्छा एक चीज इसकी जो कंप्लीट करनी है वो ये है कि यूजर अगर स्टाफ मेंबर नहीं है तो उसको डिसअलाउ कर दे, ये काम हमें करना है पहले। तो लेट्स सी, तो दो तरीके हैं ये डिटेक्ट करने के कि जिस यूजर ने रिक्वेस्ट की है डिलीट व्हीकल की क्या वो स्टाफ मेंबर है या नहीं, ठीक है। एक तरीका है जिसमें हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज स्टाफ, ठीक है। हाँ अगर ये स्टाफ है तो कोई काम हो, या हम ये कहेंगे इफ नॉट, तो उस केस में हम एक सिंपली जो एरर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स दैट रिक्वेस्ट, और यहाँ हम लिख देंगे डिलीट नॉट अलाउ फॉर नॉन स्टाफ यूजर्स, ठीक है। ये तो एक चीज है। अच्छा स्टाफ यूजर क्या होता है ये, अगर हम इसका डेटाबेस देखें, इसकी लाइट ऑफ डेटाबेस, एनीवे इस डेटाबेस को अगर हम एक्सप्लोर करें तो यूजर के अंदर यूजर की प्रॉपर्टीज होती है कि ये सुपर यूजर है या स्टाफ मेंबर है या नहीं है। तो ये एक्चुअली बिल्ट इन ऑथ जो यूजर ऑथ मॉडल है उसकी प्रॉपर्टी है। एनीवे हम कह रहे हैं कि अगर यूजर स्टाफ मेंबर नहीं है तो ऑपरेशन अलाउ नहीं करना, ठीक है। दूसरा तरीका इसका होता है डेकोरेटर्स, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑपरेशन ऑन हाई लेवल एग्जीक्यूट ही ना हो तो आप डेकोरेटर यूज कर सकते हैं, और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। सॉरी जनरल डेकोरेशंस, डेकोरेशंस हमें काफी हेल्प करता है, हम सिर्फ एक एनोटेशन दे देते हैं, जावा जावा की दुनिया में इसको एनोटेशंस से रेफर करते हैं। तो इस तरह से हम एट द रेट साइन देके डेकोरेशन दे देते हैं और बताते हैं कि XYZ रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब डेकोरेशन इज अ लॉग इन फॉर सी स्केप में डॉक्यूमेंटेशन कर भाई, चले हम स्टैक ओवरफ्लो से लेते हैं एग्जांपल। ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रैक्ट ऑथ डेकोरेटर्स इंपोर्ट लॉगिन रिक्वायर्ड। अब लॉगिन रिक्वायर्ड एक डेकोरेशन है, ये अगर आपने मेथड के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है, हाँ ये अगर आपने अपने किसी फंक्शन के ऊपर डेकोरेशन अप्लाई किए तो इसका मतलब है कि पहले चेक करेगा जेंगो कि क्या ये यूजर लॉग्ड इन है, यानी इस फंक्शन को कॉल करने के लिए लॉगिन होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं आई थिंक स्टाफ रिक्वायर्ड, इस तरह से हम देख लेते हैं इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डेकोरेटर्स हैं हमारे पास। देखिए लॉगिन रिक्वायर्ड है, परमिशन रिक्वायर्ड, आप स्पेसिफिक परमिशन बताएंगे अंदर। इसके अलावा और भी डेकोरेटर्स होने चाहिए, हाँ जैसे यूजर पासिस टेस्ट, ठीक है।
तो आप एक अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन दे सकते हैं इस तरह से कि द यूजर पासेस टेस्ट और लैम्डा डॉट इज स्टाफ, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये अभी हम डेकोरेशंस को इस तरह से यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग टॉपिक है बाकायदा डेकोरेशंस। हम फिलहाल ये करते हैं कि ठीक है, हमारे पास कंट्रोल है, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट में यूजर ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी इज स्टाफ, दैट्स दैट्स ऑल वी नीड राइट नाउ। अगर ये स्टाफ नहीं है तो वेट रिक्वेस्ट है, अदरवाइज प्रोसीड। सही है, यहाँ तक तो हो गया लॉजिकल। रिपोर्टिंग कराया था, रिपोर्ट करवाया है, चलिए आई थिंक ये स्कूल का कोई चक्कर है। ओके हमने कहा है कि व्हीकल्स, व्हीकल मॉडल डिलीट सिर्फ तब करना है जब व्हीकल्स कोई एग्जिस्ट करती, यानी अगर कोई व्हीकल्स रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको सिंपली पर्च कर दो। तो अभी हमारे पास सिस्टम में कुछ नहीं है, हम अपने इंटरफेस पे चलेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। सो से हम लोग डिलीट करते हैं टोयोटा पासो, ये कॉल किया, डिलीट नॉट अलाउड फॉर नॉन स्टाफ यूजर्स, पहला चेक हमारा हो गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमने ये वेरीफाई कर लिया कि भाई ये अलाउ नहीं कर रहा जब तक हम लॉग इन ना कर ले। अच्छा, लॉग इन करने के लिए लेट्स सी 7। हमारे पोर्ट है 8000, लेट्स सी एडमिन। वी नो हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी पहले कि जब हम माइग्रेशन रन करते हैं तो एक सुपर यूजर हम क्रिएट करते हैं, तो एडमिन के ऊपर, अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह देखा नहीं है लेकिन आप सब ये देख लें, एडमिन के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यूजर को लॉग इन करने का। तो मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, एडमिन था, हाँ एडमिन, मैंने लॉग इन कर दिया। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे हम बाद में आएंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि अब मैं अगर जाऊंगा अपनी साइट पे तो मैं लॉग इन कर चुका हूँ। ठीक, अब मैं लॉग इन कर चुका हूँ, तो लेट्स सी अगेन टोयोटा पासो, मैंने डिलीट कॉल किया, आई हैव अ आई हैव एन एरर, व्हीकल मैचिंग डज नॉट एग्जिस्ट व्हीकल्स। हाँ लेट्स सी व्हीकल मॉडल डॉट ऑफ दिस सब कैट दिस यूआईडी, ओके क्वेरी तो जा रही है, बस इशू ये है कि दिस इज नॉट मैचिंग इट। हमें देखना पड़ेगा कि डेटाबेस में ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। नहीं चले, हम डी व्यूअर को देख लेते हैं, डी व्यूअर एक बहुत अच्छा जनरल पर्पज एक आईडीई है फॉर प्लेंटी डेटाबेसेस, एसक्यूलाइट, MySQL, पोस्टग्रेस। अब देखते हैं यहाँ पे व्हीकल मॉडल्स में डेटा के अंदर इश्यू क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट टोयोटा पासो, राइट, टोयोटा पासो का ये जो यूआईडी है क्या ये मैच कर रही है हमारी इस यूआईडी से पास की है। ओह ओके दैट्स वियर्ड, दैट्स रियली वियर्ड। यूआईडीज में यूजुअली हमेशा हाइफ़न्स आ रहे होते हैं,
और हमारे इस डेटाबेस में फॉर सम रीजन दिस इज नॉट हाइफनेटेड, अजीब सी बात है। लेट्स सी व्हाट डू दिस स्टोन नॉइस माय फोन विद चैट अच्छी मैं स्कोर पर सी तो मैं भी चाहता है नहीं इन दोस इन्वायरमेंट हमारा फिर से डिएक्टिवेट हो चुका है एंड स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट डॉट पैथ फाइव मिलियन इंस्टॉल फाइल्स आई सो वियर्ड चलो क्या लेट्स ट्राई फॉर द पासवर्ड क्या एक्चुअली आई थिंक ये मसला नहीं है, ये इशू नहीं होना चाहिए यूआईडी का। दिस शुड बी बिकॉज हम गेट यूज कर रहे हैं जो कि प्राइमरी की के लिए यूज होता है, इसके बजाय हमें फिल्टर यूज करना चाहिए। हाँ आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम। तो हम कहेंगे फिल्टर और यूयूआईडी। अच्छा एक चीज और यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी डॉट फर्स्ट, तो इसलिए क्योंकि फिल्टर जो है वो रिटर्न करेगा एक क्वेरी सेट ना, उसमें मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, लिस्ट होगी, और डॉट फर्स्ट का मतलब उस लिस्ट का पहला आइटम आप पिक कर लें। ठीक है, तो या तो हम ये कर लें या फिर हम कहें मॉडल्स और यहाँ हम कहें व्हीकल डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फर्स्ट, यानी पहले हम चेक करा लें कोई एक भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके बाद उसका फर्स्ट एलिमेंट उठा लें। ठीक है ओके, देन वी हैव डॉट और फिल्टर यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, सही है। और अगर व्हीकल्स एग्जिस्ट करती हैं तो सिर्फ डिलीट करो, अदरवाइज पर्ज करो। एक्चुअली नहीं, मैं यहाँ पर्ज अलाउ नहीं करूँगा, ये एक सेंसिटिव ऑपरेशन है और मैं नहीं चाहूंगा कि पर्ज इस तरह से मैं अलाउ करूँ ऑन इंटरफेस। इन एडमिन के थ्रू तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये जो इंटरफेस मैंने बनाया मैं इसमें अलाउ नहीं कर रहा किसी भी रिकॉर्ड को पर्ज करने, और जब हम जेगो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो वी वी कैन डील विद दैट लेटर। तो फिलहाल इसको सिर्फ टेस्ट करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास है टोयोटा पासो और इसको हम कह देते हैं डिलीट। सही है, डिलीट करने पे क्या हुआ होगा? इफ एवरीथिंग वेंट वेल विच डिड, डिलीट करने पे ये ऑपरेशन कॉल हुआ और रिवर्स दोबारा सेम व्हीकल्स का व्यू रेंडर हो गया ना, व्यू व्यू व्हीकल्स। लेकिन अब आप यहाँ एक चीज नोट करेंगे कि टोयोटा पासो स्टिल अपेयर हो रही होगी, क्यों हो रही है अपेयर? और इस वजह से पहले तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो टोयोटा पासो है ये अगर आप रिकॉर्ड देखें गौर से तो ये वॉइड हो चुकी है। अच्छा हम वॉइड रीजन भी देते हैं यहाँ पे, फिर हम कहेंगे व्हीकल मॉडल डॉट वॉइड रीजन इज डिलीटेड बाय वॉइडेड बाय यूजर। एक चीज और है वैसे, कन्वेंशन का हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, बट इंस्टॉल हमारे पास केमिकल केस नहीं होने चाहिए इन जनरल, सर ये अपनी अपनी चॉइस है। या सो
प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम व्हीकल्स व्यू कर रहे हैं तो यहाँ हम सारे व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, हमें यहाँ पे भी फिल्टर करना चाहिए और हम कहें वॉइडेड इज इक्वल्स टू वन जीरो, सॉरी सिर्फ वो व्हीकल्स शो करो जो वॉइड नहीं भी है, लीव द रेस्ट। तो अब अगर हम जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो नाउ यू कैन सी कि टोयोटा पासो हैज एलिमिनेट हैज बीन फिल्टर्ड आउट, क्योंकि वो वॉइड हो चुकी थी। सही है। तो अब इसके बाद आपको जो है वो आइडिया हो जाना चाहिए कि वॉइड और अनवॉइड में क्या है। हम अगर एक ऑपरेशन एक किसी रिकॉर्ड को वॉइड कर रहे हैं ना, तो इंटरफेस में ही हमें एक ऑप्शन देना चाहिए कि भाई ये वॉइड हो चुकी है, तो इसको अगर दोबारा लेके आना है डेटाबेस में, वापस लेके आना है तो क्या करेंगे। यानी एक हमारे पास यहाँ चेक या रेडियो बटन होना चाहिए इंटरफेस में जो कहे कि यस ऑल्सो शो द वॉइडेड रिजल्ट्स। तो ये जो फिल्टर हम कर रहे हैं ये कंडीशनल होना चाहिए इन अ वेल रिफाइंड फाइनल यूआई। तो आप ख्याल रखेंगे अगर वॉइड करें तो अनवॉइड का भी ऑप्शन होना चाहिए यूजर के पास। तो खैर ये हमारा डिलीट ऑपरेशन था। आपने देखा कि किस तरह ऑब्जेक्ट को हम लोग सॉफ्ट डिलीट कर रहे हैं। अब हम चाहें जो सारे डिलीट कर रहे। एक चीज और भी है कि मैंने यहाँ पे यूयूआईडीज को एज अ पैरामीटर यूज किया है, ध्यान रखिएगा, नॉट द इंटीजर आईडीज। और इसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि आप जब यूआरएल हिट करते हैं तो यूयूआईडी शो हो रही है ना। अगर मेरे पास आईडीज होंगी तो कोई शख्स यूआरएल पे डायरेक्टली फॉर एग्जांपल आईडी लिख के अगर वन है, वन की जगह फाइव लिख दे तो वो एक्सेस कर सकता है। दैट्स नॉट व्हाट वी नीड। यूयूआईडी के केस में आपके पास फुल रिस्ट्रिक्शन होती है यूजर के पास, क्योंकि उसे पता नहीं होगा यूयूआईडी है क्या एग्जैक्टली हर रिकॉर्ड की। तो खैर इट्स गुड प्रैक्टिस टू यूज यूयूआईडीज इंस्टेड ऑफ आईडीज, लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर एग्जाम्पल्स में इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स में आईडीज से ही काम लिया जा रहा है, वो भी गलत नहीं है। ओके अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट केस है एडिट का। व्हाट वी नीड इज कि कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं हम उनको एडिट कर सके। तो ये काम हम कैसे करेंगे? लेट्स एडिट वाला पार्ट। एडिट करने के लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया था एडिट व्हीकल, ठीक है। ये फिलहाल एम्प्टी है, मेरे पास क्रिएट व्हीकल है और मेरे पास एडिट व्हीकल है, ठीक। और हम देखें तो सारे तकरीबन फील्ड्स वही हैं जब हम एडिट करें या क्रिएट करें। इस केस में सिर्फ फर्क इतना है कि एडिट फॉर्म में और भी काफी चीजें आ रही होंगी हमारे पास, यानी कंप्लीट डिटेल होगी। क्रिएट करते हैं हम सिर्फ चार पांच चीजें शो करवा रहे हैं, एडिट फॉर्म कंप्लीट होगा, उसमें बहुत सारी फील्ड डिसेबल्ड होंगी जो हम एडिट नहीं कर सकते खुद से, और बाकी शो हो रही होंगी। तो लेट्स सी एडिट फॉर्म किस तरह से डिजाइन करते हैं। पहले मैं एक काम करूंगा, ये एज इट इज मैं पहले तो इसकी कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने कॉपी बना ली, एक्शन मैंने सेव की जगह दे दिया अपडेट, और ये भी मेरा एडिट वी कैन मॉडल मैन्युफैक्चरर मॉडल टाइप एंड सिलेक्ट वन, ये सब तो अपनी जगह है। सही। एक चीज जो मुझे रिप्लेस करनी है वो क्या है, मेरे पास अब यहाँ प्लेस होल्डर नहीं होगा, मेरे पास वैल्यू होगी डायरेक्टली, राइट। और वैल्यू वैल्यू में क्या होगा, व्हीकल डॉट रेंटल। सही है। अब ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास, देखें हमने
जिस तरह से होम में अगर आप देखें, नॉट होम व्हीकल्स में, हमने यहाँ क्या किया था, व्हीकल्स का एक हमने पूरी लिस्ट पास करवाई, उसको हम एट्रेट करें ना, इधर हम कहेंगे कि भाई जो जो व्हीकल एडिट करनी है, सही है, सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा। तो यहां मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल देके वापस अभी जंप बैक करूंगा अपने कोड के ऊपर, व्यूज और यूआरएल्स के ऊपर। तो अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम यहाँ जाते हैं, जैसे हमने डिलीट दिया है वैसे ही हम यहाँ पे व्हीकल्स एडिट दे देंगे, और एडिट बाय UUID, और इसको हम करेंगे एडिट व्हीकल। इसके अलावा एक अपडेट का भी मेथड कॉल होगा, राइट, अपडेट। ये अगर आप देखें तो पेयर में ऑपरेशन क्रिएट और एडिट, क्रिएट क्या कर रहा है, वो फॉर्म पॉपुलेट करने का काम आ रहा है जो क्रिएट करने के लिए चाहिए। सेव क्या कर रहा है, वो फॉर्म जब सबमिट हो रहा है तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है उसको हैंडल कर रहा है। सेम गोज हियर, एडिट पॉपुलेट करने के लिए चाहिए, और अपडेट का फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब फॉर्म सबमिट होगा, एंड दैट्स हाउ इट गोज। हम जाएंगे अपने व्यूज में दोबारा, और यहाँ पे हम जिस तरह से क्रिएट और सेव किया था हमने, इन्हीं की एक तरह से हम कॉपी बना के उसी में मॉडिफाई करेंगे हमने इसको। हम कहेंगे एडिट और इसको कहेंगे अपडेट, ठीक है। लेकिन हम एडिट करते हैं बाय UUID, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एडिट कॉल किया है तो कौन से ऑब्जेक्ट को एडिट करना है हमें, ठीक है। तो कंप्लीट लिस्ट तो नहीं आएगी यहाँ पे, यहाँ पे होगा व्हीकल व्हीकल टाइप्स और व्हीकल, इसको हम एडिट करना है मॉडल, व्हीकल मॉडल में अगेन वही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमें फेच करना है बाय फर्स्ट बाय UUID। एक कन्वेंशंस, ओके, दोबारा इसको देखते हैं। जब हम इस URL पे हिट करेंगे तो ये फंक्शन रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, ये फंक्शन पॉपुलेट क्या करवा रहे, एडिट व्हीकल का टेम्पलेट। इस URL पे हम आएंगे कहाँ से, हम दोबारा जाएंगे अपने टेम्पलेट पे व्हीकल्स के, और जैसे हम यहाँ पे डिलीट कॉल कर रहे हैं डिलीट व्हीकल, इसी तरह से एक UUID के ऊपर हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, एडिट व्हीकल, सही है। एडिट का बटन दबाने पे एडिट व्हीकल कॉल हो जाए, एडिट व्हीकल जैसे प्रेस होगा यहाँ पे जेंगो नेविगेट करेगा, वो मैच करेगा क्या एक पैरामीटर आया UUID स्ट्रिंग, यस, तो एडिट व्हीकल के ऊपर हम जंप करेंगे व्यूज के अंदर। इस टेम्पलेट को रेंडर कराने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में हम एक दे रहे हैं व्हीकल मॉडल जिसको एडिट करना है, नेव बार तो अगेन सेम वन, और व्हीकल टाइप्स, ये वो सारी टाइप्स हैं जो हमें शो करवानी होती है लिस्ट में, ठीक है। तो नथिंग
आउट ऑफ ऑर्डिनरी, बिल्कुल सेम चीज है। बट वंस हम आ गए इस व्हीकल एडिट व्हीकल के टेम्पलेट के ऊपर, तो हमें सिर्फ ये करवाना है कि ये जो फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर है, हमने वेंडर दे दिया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है इसमें जितने भी फील्ड्स हैं व्हीकल मॉडल के अंदर, वेंडर मॉडल टाइप आईडी, ये सारी हमें शो करवानी है। अब वो डिसेबल्ड होंगी ये अलग बात है, जैसे ये प्राइमरी की है या यू आई डी, ये डिसेबल्ड होंगी, एडिटेबल नहीं होंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन शो हम फिर भी करवाएंगे, तो क्रिएटर्स के अंदर ये डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा खैर, कुछ तो चीज़ें मैं यहाँ कर लेता हूँ। हम फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा यू आई डी, ठीक है, और इसको मैं इनपुट नहीं दूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनपुट, ये मैं लेवल ही एक शो कराऊंगा, लेवल्स टू यू आई डी, और व्हीकल डॉट यू आई डी, सही है। तो सबसे पहला मेरा जो एलिमेंट शो होना चाहिए वो यू आई डी थी, सेकेंड नंबर में मेरा इनपुट ही है, और दिस इज गोइंग टू बी वेंडर, और बजाय प्लेस होल्डर देने के मैं जो वैल्यू पहले से मौजूद है वो दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर सिमिलरली इस प्लेस होल्डर को मैं रिमूव करूंगा, कहूंगा वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हीकल डॉट मॉडल, ठीक है, सही है। इसी तरह मुझे यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं, तो मैंने सिलेक्ट उस ऑप्शन को करना है जो व्हीकल के अंदर मौजूद हो टाइप उसकी, राइट। इसके लिए मैं लिखूंगा सिलेक्टेड, अच्छा मुझे यहाँ पे इफ यूज करना है ना, इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, नहीं, ये तो ऑलरेडी है, व्हीकल डॉट टाइप, ठीक है, अगर मेरी वैल्यू व्हीकल की टाइप के बराबर है तो डू समथिंग, और उसके बाद यहां पर मैं कहूंगा एंड इफ, तो इस केस में डू व्हाट, सिलेक्टेड ऑप्शन पे अगर मैं कह दिया सिलेक्टेड, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाना चाहिए जो रिस्पेक्टिव टाइप के, क्योंकि इसमें जब लिस्ट टेंडर होगी आपके पास सारी टाइप्स हैं जो भी यहाँ से आ रही हैं आपके व्यूज से, व्हीकल टाइप्स, तो इस इनम से व्हीकल टाइप्स इनम से जितनी भी आपकी टाइप्स आ रही हैं, ये सारी टाइप्स है ना हमारे पास, इनमें से कौन सी टाइप है जो सिलेक्ट की हुई है, यानी जो व्हीकल हमारी आ रही है लिस्ट में, फॉर एग्जांपल पास हुआ है तो हैचबैक है, ठीक है, हमें करना है कि हैचबैक ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा दिस वन, और उसके बाद सेटिंग कैपेसिटी गेन, या हमने वैल्यू डिफॉल्ट दी हुई है, हम वैल्यू में डिफाइन कर देंगे कि व्हीकल डॉट कैपेसिटी, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। और कौन सा एट्रीब्यूट, जितने भी मॉडल के अंदर हमारे पास मौजूद हैं चीजें, ये हम सारी शो करवाएंगे व्हीकल मॉडल में। अब टाइप्स कैपेसिटी कैपेसिटी तक तो आ गए, हमें ये भी शो करवानी है, डेट क्रिएटेड क्रिएटेड बाय,
ऑडिट फील्ड्स, क्योंकि यूजर के पास अगर वो ऑडिट कर रहा है एक कंप्लीट डिटेल सेट होना चाहिए। तो ओवरऑल हम इसको इसी तरह ऐड करते रहेंगे, जैसा कि यूआईडी, हमने कहा डेट क्रिएटेड और व्हीकल डॉट डेट क्रिएटेड, हमें ये नेम इन की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये इन फील्ड्स में अपडेट फिर चेंज तो होना नहीं है। क्रिएटेड बाय, यहाँ पे हमारे पास व्हीकल डॉट क्रिएटेड बाय डॉट, देखिए क्रिएटेड बाय का फॉर्म की रिलेशनशिप है यूजर से, तो हम यूजर का क्या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या दोनों कॉम्बिनेशन जो भी है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। सही, तो आई थिंक दिस इज सफिशियंट, और साफ नहीं गया। पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, दोबारा रन करते हैं अपने सर्वर को, देखते हैं कि एडिट के ऊपर क्या हो रहा है हमारे मॉडल के अंदर। लेट्स गो टू एडिट, एडिट फॉर्म आ गया। नाउ यू कैन सी यूआईडी, अभी डाईहेड फॉर्म मेरा मैंने सिलेक्ट किया था लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है? अच्छा, इसको आई थिंक स्ट्रिंग्स में देना पड़ेगा मुझे, सॉरी नॉट स्ट्रिंग्स, बात करनी उसकी। ओके, लेट्स रन अगेन। आई थिंक इश्यू ये है कि सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड समथिंग लाइक दिस, बड़ी शायद छोटा सा कोई मसला आ रहा है हमें। ओके, एंड इफ दिस, हाँ ये मेरा टैग ओपन हुआ और सिलेक्टेड सिलेक्टेड किया मैंने टैग, जेन्यू का टैग क्लोज हुआ। ओके, उसके बाद ये टैग मैंने क्लोज किया है, लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग नाउ। हाँ हैचबैक, ठीक है इट्स वर्किंग। अच्छा अगला क्या इशू है? क्रिएटेड बाय हमारा नहीं आ रहा, और क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं सिर्फ क्रिएटेड बाय तो एडमिन आप, अच्छा ठीक है जो भी यूजर नेम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो एनीवे इस तरह मेरे पास सारी फील्ड्स पॉपुलेट हो गई। ठीक है, अच्छा अब करना मैंने ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ इसकी कैपेसिटी 5 है, व्हीकल की कैपेसिटी मैंने अपडेट की 5 की। अब जब मैं सेव करूंगा तो क्या होना चाहिए? सेव बटन है, अपडेट, और अपडेट के बाद जब ये अपडेट कॉल करेगा तो मुझे यहाँ पे कुछ पास करना है ना, यानी जब मेरी कॉल लैंड होगी इधर अपडेट व्हीकल में, तो यहाँ पे मैं क्या इनपुट ले रहा हूँ? जो भी मेरा मेथड है, मैं मेरे पास दो तरीके, या तो मैं सीधा सीधा कह दूं कि यूआईडी, या मेरे पास जो ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
जो मेरे पास ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है इसको मैं एक और पैरामीटर अटैच करके दे दूं कि भाई जैसे ये नाम है मॉडल, इसी तरह एक और मेरे पास यूआईडी भी मौजूद है, तो पैरामीटर से आप फेच कर लो, पोस्ट पैरामीटर से आप फेच करके कौन सा मॉडल पास हुआ था। तो दोनों तरीकों से मैं ये कर सकता हूँ। कंटिन्यूइंग ऑन अवर व्यूज डॉट पाई क्लास, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ से रिक्वेस्ट आए ऑन बटन प्रेस ऑन सबमिशन, ये मेथड कॉल होगा क्योंकि यूआरएल में हमने मैप किया हुआ है इसको, ठीक अपडेट, ठीक है। तो एक्चुअली हैंग ऑन अ सेकंड, सही अपडेट मुझे कॉल करना है और दिस इज फाइन। यहाँ अब अपडेट क्या क्या चीजें हो सकती है, वेंडर का नाम, मॉडल का मॉडल टाइप और कैपेसिटी, ये चार फील्ड जो अपडेट होंगी, और कोई फील्ड हमें अपडेट नहीं करनी है। तो यूआईडी में यहाँ पे इनपुट लूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट यूआईडी, ये मैं ले रहा हूँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, सही। अच्छा लेट्स व्हीकल मॉडल मैंने फेच करना है, यहाँ पहले मैं न्यू क्रिएट कर रहा था, अब मैं कह रहा हूँ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फर्स्ट फिल्टर फर्स्ट शुड वर्क क्या नहीं, इफ व्हीकल मॉडल देन व्हाट व्हीकल मॉडल डॉट अपडेट, और हमें एक चीज और पास करनी है, अपडेटेड बाय अपडेटेड बाय इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। यहाँ पे देख भी लेते हैं, जब हम अपडेट का मेथड कॉल करते हैं तो अपडेट बाय हम सेट करवा रहे होंगे, बाकी चीजें जो है वो डेट अपडेटेड डेट अपडेटेड से सेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और दैट्स इट। तो हमने व्हीकल मॉडल सेट किया, अपडेट करवा दिया, इसको हम टू से नीचे दिस इज ऑल्सो फाइन, और मैंडेटरी हाँ ये भी सही है, बाकी चीजें सही है हमारी, हम सब अपडेट करवा रहे हैं। एल्स व्हाट एक अगेन बैड रिक्वेस्ट अगेन, सही। अब हम क्या करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, इधर आगे हमने सेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज की थी, सो लेट्स सेव इट, और नाउ वी हैव व्हाट पेज नॉट फाउंड अपडेट, हम एक एडिट अब नहीं एडिट स्लैश अपडेट जाऊंगे, अच्छा ओके ये रीजन क्या है, हम जंप कर करके आ रहे एडिट एडिट टेम्पलेट से इसके ऊपर, तो बेसिकली इसने अटेम्प्ट अटेक अपेंड कर दिया कि भाई आप एडिट ही को एक्सटेंड करें ना अपडेट में, तो खैर एक छोटा सा इशू है जो हम फिक्स कर सकते हैं इजीली, एड्रेस स्लैश अपडेट। नाउ लेट्स ट्राई अगेन, और अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट न्यू आईडी, अच्छा जी हाँ ये क्यों आ रहा है इशू, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि व्हीकल की कह रहा है कि है कहाँ यार आईडी,
बजाय इसके कि हम ऊपर यूआईडी के लिए लेवी यूज करें, हम यूज करेंगे इनपुट, लेकिन इसको डिसेबल कर देंगे ताकि फॉर्म जब सबमिट हो तो पैरामीटर्स भी यहाँ से मिल जाए। ठीक है, वैल्यू में यू आई डी है और रिक्वायर्ड तो है, लेकिन इसको हम कर देंगे डिसेबल। हाँ, यू आई डी हमारे पास प्री फील्ड है, लेकिन चूंकि हमें एक इनपुट के अंदर इनपुट फील्ड में ही चाहिए, तो हमने इस तरह से इसको रेंडर करवा दिया। तो आई होप कि अब ये चल जाएगा, इट्स फास्ट बट अनएक्सपेक्टेड। सभी छोटे छोटे बस है, दिस इज अपडेट व्हीकल में हमने यहाँ फर्स्ट का है ना, मेन पॉइंट जिन कहने फिल्टर और इसके बाद डॉट फर्स्ट। नाउ आई बिलीव चल जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर गिविंग यूआईडी। इट्स इंटरेस्टिंग। फेविकॉन पर पेंट इज नॉट अ वैलिड यूआईडी, फेविकॉन कहाँ से आ गया? जस्ट कोर्स गेट यूआईडी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है जो मैंने करेक्ट की है, यहाँ डिसेबल्ड नहीं करना है, आपने रीड ओनली करना है। डिसेबल्ड का मतलब है यूआईडी पास ही नहीं होगी। ठीक, तो आप पास करेंगे यूआईडी, दोबारा हम जाएंगे रही उसके अंदर, और अब हमारे पास यूआईडी आ रही है। मैं पॉज करके चेक किया था क्या इशू, खैर कोई बड़ा बड़ा इशू नहीं था, रिजॉल्व हो गया। एनीवे लेट्स सी कि अब हम व्हीकल मॉडल की जो वैल्यू सेट करेंगे वो क्या, डॉट वेंडर जो शो अंडरस्कोर वेंडर डॉट मॉडल्स इंस्ट्रूमेंट अंडरस्कोर मॉडल, जो भी हमें अपडेट करवानी है डॉट टाइप। कैपेसिटी, यस कैपेसिटी, और यही मॉडल हम लोग अपडेट कर देंगे अब। ठीक है, तो लेट्स गो बैक अगेन। इसे डायसिस शेरड मैं कह रहा हूँ, इसकी वेकेंट कैपेसिटी 5 है, और ये सबर बन गई, बढ़िया ऑटो रिक्शा कर लेते हैं। ठीक है, सेव इट। इसी मेरे पास ऑटो रिक्शा और सीटिंग कैपेसिटी 5, जो डिजायर्ड मेरा रिजल्ट था, आई हैव इट बिफोर मी नाउ। तो हमने एडिट और डिलीट भी अब इंप्लीमेंट कर लिया है, और एक फॉर्म ही हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, यानी इसमें हमने क्रिएट किया, एडिट हुआ, डिलीट भी हो गया, ये सारी चीजें जो छोटे छोटे यूआई के पार्ट्स हैं, जैसे इनेबल करना, अनडिलीट, जैसे कंफर्मेशन डायलॉग, या एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपके पास ये यहाँ पे कोई पॉपअप आ जाए, वॉट एवर, इस तरह के जितने केसेस हैं वो हम लेटर ऑन वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा फॉर्म्स का पूरा चैप्टर जो है कंक्लूड होता है, और हम नेक्स्ट अब देखेंगे कि जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो हम किस तरह से करते हैं।